यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पुनाना के गांव बादली में भगौड़े मुश्ताक को पकड़ने गई पुलिस टीम पर मुश्ताक और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और बदमाशों की फायरिंग में पुलिस के दो जवान घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही एसटीएस प्रमुख सतीश बालियान और पलवल एसपी वसीम अकरम ने मौके का दौरा करने के अलावा घायल पुलिस कर्मचारियों का हालचाल भी जाना। मामले में पुनाना पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मुश्ताक 2008 में एक सिपाही की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था। कोर्ट से पैरोल पर आने के बाद वो वापस नहीं गया था, जिस पर कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित कर रखा था। मुश्ताक ने अपने भाइयों और गिरोह के सदस्य के साथ हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में 20 से अधिक लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी मुश्ताक के बारे में सुबह सचिव पुनाना को सूचना मिली थी, जिसमें इनके अपने घर पर मौजूद रहने के बारे में सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इसमें कि एसएचओ पुनाना की टीम और सीआईए पुनाना की टीम के लोग शामिल थे। इन्होंने सुबह करीब 5:30 बजे गांव में जाकर रेड की तैयारी करके रेड की। वहां पे दो जो आरोपी थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो नीचे जब कूदे तो पुलिस ने उनको काबू करने की कोशिश करी। इसी दौरान एक हमारे पुलिसकर्मी चंद्रपाल के पेट में लगी है और दूसरी गोली एसी कृष्ण के सर पर लगी है।